अगस्त 2024 भारतीय टेलीकॉम इतिहास में एक माइलस्टोन बन गया है। कुछ महीने पहले तक लोग BSNL के नाम से भी कतराते थे, लेकिन जब से जियो, एयरटेल और VI ने प्लान्स के दाम बढ़ाए हैं, मानो BSNL का नया जन्म हो गया है। टेलीकॉम सेक्टर में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से BSNL चर्चा में बनी हुई है। पिछले कई सालों से BSNL का यूजर बेस तेजी से गिर रहा था, लेकिन निजी कंपनी के प्राइस हाइक ने BSNL के ग्राहकों की संख्या में बड़ा इजाफा कर दिया है। आपको बता दें कि BSNL का तमिलनाडु और केरल में 4G सेवाओं की सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है। तमिलनाडु और केरल जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स में BSNL ने पहले ही अपनी 4G सर्विसेज की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। इसके साथ ही सरकार BSNL को फिर से मजबूती के साथ खड़ा करना चाहती है, ताकि वो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के साथ कॉम्पीट कर सके। तो आइए जानते हैं 15 अगस्त को BSNL अपने ग्राहकों के लिए क्या सौगात लेकर आया। दोस्तों, BSNL लगातार अपने करोड़ों यूजर्स के लिए सस्ते प्लान्स ऑफर कर रही है। BSNL के प्लान्स ने जियो, एयरटेल और VI की टेंशन बढ़ा दी है। महंगे रिचार्ज प्लान से बचने के लिए लोग अब BSNL की तरफ स्विच हो रहे हैं। अगर जुलाई के आंकड़ों में नजर डालें तो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 2.17 लाख लोग BSNL की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद राज्य में BSNL के ग्राहकों की संख्या 40 लाख के पार हो गई है। आपको बता दें कि सस्ते रिचार्ज के बाद अब BSNL अपने ग्राहकों के लिए तेजी से 4G और 5G नेटवर्क की सर्विस देने के लिए काम कर रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए BSNL देश भर के करीब 15,000 साइट पर 4G नेटवर्क को इंस्टॉल कर चुका है। BSNL आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से अपनी 4G सर्विस को शुरू कर चुका है। ऐसे में लाखों यूजर्स को इस बात की उम्मीद है कि कंपनी उन्हें सस्ते रिचार्ज प्लान्स की ही तरह सस्ते में हाई स्पीड इंटरनेट डेटा की सुविधा भी देगी। आपको बता दें, BSNL लगातार अपने ग्राहकों के लिए धमाकेदार ऑफर ला रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपने ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है। कंपनी अपने फाइबर यूजर्स को सस्ते प्लान में 3300 GB डेटा ऑफर कर रही है। BSNL के इस खास प्लान की बात यह है कि अब पहले कंपनी ग्राहकों को 499 रुपए में यह प्लान देती थी, लेकिन अब इसकी कीमत 100 रुपए कम कर दी गई है। अब यूजर्स सिर्फ 399 रुपए में 3300 GB डेटा का फायदा ले सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है BSNL अगले साल तक 5G सर्विसेज को भी देश भर में रोल आउट कर सकता है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर BSNL के पास है, बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है। BSNL के पास इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है। देश भर में फैले इसके अंडरग्राउंड केबल्स, टावर्स और ऑफिस का नेटवर्क इसे एक स्ट्रांग बेस प्रदान करता है। BSNL के पास इस वक्त करीब 6,80,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है। BSNL का एक कदम इंडिया को एक मजबूत डिजिटल पावर के रूप में पूरी दुनिया में दिखाएगा। भारत उन 5 चुनिंदा देशों में गिना जाएगा जिन्होंने खुद अपने बलबूते पर अपनी 4G 5G टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है, और ये काम आने वाले समय में इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा चेंज ला सकता है। BSNL का ये नया अवतार भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। सस्ते दाम, बेहतर सेवाएं और व्यापक नेटवर्क के साथ BSNL एक बार फिर से बाजार में मजबूत स्थिति बना सकता है। इससे न सिर्फ BSNL को फायदा होगा, बल्कि आम लोगों को भी अच्छी और सस्ती दूर संचार सेवाएं मिलेंगी। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि BSNL इस मुकाबले में कैसे आगे बढ़ता है और भारत के डिजिटल भविष्य को कैसे आकार देता है। आपको क्या लगता है, क्या BSNL अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।